कॉलेज है या जेल, पाबंदियां ही पाबंदियां, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना। यूनिवर्सिटी कॉलेज वही स्टूडेंट्स को प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह करती है ट्रीट। जिंदगी बर्बाद, ना अच्छी पढ़ाई, ना ही प्लेसमेंट के ठिकाने, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सौबा सौबा। एक ही फैकल्टी 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाती है, और यही नहीं, बीटेक के बाद पास करने वाले बच्चे ही कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। क्या सच में यूनिवर्सिटी है इतनी लो बजट कि ढंग के फैकल्टीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकती? क्या है द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सच? मैं एक बार फिर आ गया हूँ एक और कॉलेज का रियलिटी चेक करने। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना करण सर फ्रॉम colleges18.com। मैं आपके लिए अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यूज एंड डिटेल्स लेके आता हूं, साथ ही आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के आप एक बेस्ट कॉलेज चूज कर सके और फ्यूचर में रिग्रेट करने से बचे। बट सबसे पहले कॉलेज की देखते हैं एक झलक। द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा के B27 APJ अब्दुल कलाम रोड नॉलेज पार्क 3 में ग्रेटर नोएडा UP यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंस्टीट्यूशन पहुंचने के लिए आप दो रास्ते अपना सकते हैं। एक नोएडा सेक्टर 147 मेट्रो स्टेशन, जो कि यूनिवर्सिटी से करीबन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा नॉलेज पार्क 2, वो भी इंस्टीट्यूशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है। सिंस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री पर गौर करें तो द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी गई थी 2006 में श्रीमती अंगूरी देवी जी के चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में। द इंस्ट्रक्शंस रन इन एफिलेशंस एंड द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कैंपस 2 भागों में बांटा गया है, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए जानते हैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये 10 एकड़ में फैली हुई है यूनिवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल, फिजिक्स लैब, ऑटोमेशन लैब, ज्योमेट्रिक लैब, एंटीना लैब, माइक्रोवेव लैब, कैंटीन, इंडोर स्पोर्ट्स, हाईटेक क्लासरूम्स एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द कैंपस। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं नजर आए कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। चलिए अब कॉलेज के एग्रीडेशन और अप्रूवल्स पे गौर करते हैं। कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है, साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है, विच वॉज फॉर्मली नोन एज UPTU, रैंक्ड 90 बाय NIRF इन 2019 इस यूनिवर्सिटी की। अब जानते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करती है बच्चों के लिए। सो बीटेक के अंदर काफी सारी ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बहुत सारी ब्रांचेस हैं बीटेक की। और साथ ही जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट के कोर्सेज जैसे कि BBA और MBA भी करवाता है। अब जानते हैं कॉलेज के एडमिशन किस प्रकार लिए जाते हैं यहां। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस के स्कोर नजर डाले जाते हैं, साथ ही UPSCE रैंकिंग के बेसिस पे भी यहां पे एडमिशन होते हैं, और साथ में डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन से जुड़ी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब गौर करते हैं कॉलेज की फैकल्टी की ओर। तो भैया टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर इज 126, विच इज sufficient enough for providing quality education. वैसे स्टूडेंट्स के रिव्यूज थोड़े मिक्स ही नजर आए। फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है और अपनी कंसर्न इंडस्ट्री में नॉलेजेबल भी है, सो यू कैन से फैकल्टी इज एवरेज। अब जानते हैं आपको 4 साल बीटेक या BE कोर्स के लिए कितनी फीस
पे करनी होगी और साथ ही 2 साल के MBA या PGDM की फीस कितनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं, बीटेक की फीस करीबन 2.7 टू 3.7 लाख रुपीस की रहती है अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, और MBA में और MBA के साथ PGDM की 2 साल की फीस लगभग 2,43,000 रुपीस के आसपास है, which is quite affordable in comparison with other private university in Delhi NCR. To know more about the fees, you may call on our number, which is 7831-888-000. Scholarships or loan के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। हालांकि college की fees काफी nominal है, फिर भी अगर fees concession और scholarship की बात करें, college की website पर उससे related कोई भी information available नहीं है, मगर हाँ, student loan की मंजूरी उपलब्ध है, जिससे fees small and affordable EMIs के through आप pay कर सकते हैं। चलिए आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कॉलेज की प्लेसमेंट की। तो भाई एवरेज पैकेज तो कॉलेज का 4 लाख रुपीज के आसपास रहा, पर अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो इट वाज अराउंड 12 लाख रुपीस पर एनम। और प्लेसमेंट पार्टनर्स में अधिकतर मास रिक्रूटर्स अवेलेबल है, जैसे कि विप्रो, डेलॉयट, सन फार्मा, न्यूज एक्स का, और इसी के साथ काफी और कंपनीज। कॉलेज बच्चों को पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए केपेबल बनाने के लिए अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, विच इज गुड स्टेप्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल प्लेसमेंट्स को हम एवरेज की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट की, तो सेलिब्रिटीज का आना तो नहीं देखा गया और ना ही पॉप कल्चर टाइप के फेस्ट देखने को मिले हमें। लगता है कॉलेज ने परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को काफी सीरियसली ले लिया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए काफी सारे टेक इवेंट्स और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती रहती है ये यूनिवर्सिटी। सो द होल फोकस ऑन द कॉलेज इन ओनली एंड ओनली स्टडीज। चलिए हम पहुंच चुके हैं वीडियो के अंत में, आइए जानते हैं कि कैसे बच्चों को यहां एडमिशन लेना चाहिए और कौन से विद्यार्थी एक बार फिर विचार करें। देखिए आमतौर पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं स्टडीज में, जैसे कि कुछ होते हैं स्टडी लविंग और दूसरे स्टबर्न एंजॉयमेंट सीकर्स। तो पढ़ाकू बच्चों के लिए तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सपोर्ट भी, मगर रिजल्ट्स यानी कि सैलरी इज क्वाइट एवरेज। वैसे सीरियस पढ़ाई वाले बच्चे यहां अपने 4 साल आराम से बिता सकते हैं। एक अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए आपको टॉप बच्चों में आना होगा, तभी आपको एक अच्छा पैकेज मिलने की चांसेस रहते हैं। बाकी कड़ी मेहनत जरूर करनी होगी एक अच्छे पैकेज के लिए। लो बजट वाले स्टूडेंट्स इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं, और नोटोरियस बच्चों को तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी ना उतरे। सो ढिंचक लाइफ चकाचौंध एक्सपेक्ट करने वाले बच्चे इस कॉलेज से जरा दूर रहे। दोस्तों इसी के साथ आपसे लेता हूं अलविदा। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पूरी तरह मदद मिली होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहला अपडेट मिले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।